हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये जरबेरा है और मेरे गार्डन में दो कलर के जरबेरा लगे हुए थे, एक रेड कलर और दूसरा येलो कलर। दोनों ही प्लांट मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ, इनकी क्या हालत हो गई है। ये हमारे गार्डन में टेरेस पे रखे हुए थे, सभी प्लांट्स के साथ रखे हुए थे। इस समय बारिश और तेज़ धूप की वजह से इनकी क्या हालत हो गई है और अब ये ख़त्म होने वाले हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले इन्हें ग्रुप से निकाला है और निकालने के बाद में जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि जरबेरा एक बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है और महंगा भी मिलता है, इसलिए इसे गार्डन में इसे बार बार ऐड करना मुश्किल होता है। बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही थी, इसमें फ्लावरिंग भी आ रही थी, फूल खिल रहे थे, तो मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर किया हुआ है। आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं उसके कैसे फूल आए हुए हैं और इस तरह की अब हालत हो गई है। जरबेरा अगर आपके कहीं बाहर रखे हुए हैं, यानी उन्हें बारिश का पानी मिल रहा है और फिर धूप निकलने पर तेज़ धूप भी मिल रही है, तो इस तरह वो फंगस के अटैक में आ जाते हैं और प्लांट आपका धीरे धीरे डेड हो जाता है, जिस तरह से ये हमारे हो रहे हैं। अब मैंने सोचा है कि इन्हें ठीक कर लिया जाए, नहीं तो फिर ये प्लांट हमारे नहीं रहेंगे। और कोशिश करने में क्या जाता है, आज मैं इन प्लांट को बचाने के लिए सोच रही हूँ और मैंने इन्हें टेरेस से अपने नीचे पोर्च में उतार करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पोर्च में उतनी जगह नहीं है। पहले से ही प्लांट रखे हुए हैं और ऊपर से नीचे लाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए से लाने और ले जाने के चक्कर में ये ऊपर के प्लांट ऊपर ही रह जाते हैं और नीचे के प्लांट नीचे ही रह जाते हैं। फिलहाल इसकी ट्रीटमेंट आज कैसे करनी है, क्या करने वाले हैं इसके साथ हम, यही आज की हमारी इस वीडियो में है। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, थोड़ी ग्रोथ इनकी चल रही है। अब इसी ग्रोथ के साथ एक नई उम्मीद जागी है और मैंने सोचा है देखते हैं कोशिश करने में क्या जाता है, बचाने की कोशिश करती हूँ, अगर बच जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे नए ऐड करने पड़ेंगे। तो पहले मैं इन प्लांट को बाहर निकालूंगी इस पॉट में से और दूसरे पॉट में मैं इन्हें लगाऊंगी, जिसके लिए से कि मैंने ये पॉट लिया हुआ है, दो पॉट हमारे प्लास्टिक के हैं, इन्हीं में मैं लगाने वाली हूँ। नीचे मैंने पॉली बैग का कपड़ा बिछाया हुआ है और ऊपर से मैंने आधे पॉट भरे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी मिट्टी और रखी हुई है, मिट्टी मैंने अच्छी वेलड्रेन बनाई है। आप जरबेरा के लिए जब भी मिट्टी बनाएं तो वेलड्रेन बनाएं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए वेलड्रेन मिट्टी ही बहुत ही ज़रूरी होता है, ये जड़ों से फैलते हैं, इसलिए से इन्हें वेलड्रेन मिट्टी ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो प्लांट हमारे लगे हैं पॉट में, ये भी अच्छे ही लगे हैं, लेकिन बस वही है कि इन्हें बारिश का पानी मिला है तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही थी, उस समय फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन जब तेज़ धूप में ये पड़े तो फिर ये ख़राब हो गए। मैं इन्हें जैसे सबको पानी दे रही थी, सबकी केयर कर रही थी, इनकी भी कर रही थी, लेकिन ये धीरे धीरे गायब होने लगे। अभी इनकी दो तीन पत्तियाँ हैं, इन्हीं के सहारे मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ, इसलिए से मैंने ये वीडियो सोची कि इस वीडियो के थ्रू आप सभी से शेयर किया जाए। अगर आपके भी प्लांट ऐसे हो रहे हैं तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो पहले हम इन्हें निकाल लेते हैं बाहर और निकालने के बाद में फिर मिलते हैं। इन्हें मैंने इस तरह से निकाला हुआ है, जड़ें अभी इसकी सेफ हैं और सूखे पत्ते इनमें से हम हटा देते हैं और इन्हें हम फंगस वाले पानी में थोड़ा डिप करके रखते हैं। और मैंने एक बर्तन में साफ़ का फंजीसाइड पाउडर मिलाया हुआ है और उसी में इन्हें डिप करके रखेंगे। अगर इसमें किसी भी तरह के फंगस वगैरह होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह से इन्हें पहले हम अच्छी तरह से मिट्टी हटा लेते हैं, फिर हम इन्हें फंजीसाइड पानी में डालेंगे। जब हम इन्हें नर्सरी से लेकर आते हैं तो ये देखिए लाल मिट्टी में लगे होते हैं, उस समय हम इन्हें बिगर छेड़छाड़ किए लगा देते हैं, लेकिन बाद में ये नहीं चल पाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। और अभी
देखते हैं आगे ये हमारे कैसे रहते हैं प्लांट। जो भी होगा वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। इस तरह से फंजीसाइड वाले पानी में मैंने इन्हें डिप करके रखा हुआ है। ये साफ़ का फंजीसाइड है और आप किसी भी तरह का फंजीसाइड पाउडर अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के अगर फंगस वगैरह होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं इन्हें 5-10 मिनट इसी तरह से इसमें डिप करके और छोड़ देती हूँ, फिर इन्हें मैं लगाऊंगी। अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं रह गया है, केवल इसकी गांठ रह गई है। और अगर यहाँ से प्लांट हमारा चल पड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये मुश्किल ही है। लेकिन चलते ही इसका करते हैं कुछ ट्रीटमेंट और देखते हैं ये कहाँ तक सक्सेस होते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और अब इन्हें कुछ करना नहीं है और अब इन्हें सिंपल लगा देना है। इनकी जड़ों को बचा, मैंने एक हाथ में कैमरा लिया हुआ है और मैं लगाने के बाद मिलती हूँ। ये आप जरबेरा लगाते समय ध्यान रखें, इसका जो भी नोड पॉइंट है ये मिट्टी में नहीं दबना चाहिए। अगर मिट्टी में दब जाता है तो फिर इसकी ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए से ये थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए। इस तरह से मैंने प्लांट को लगा दिया है और लगने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जो ये साफ़ का पानी है, यानी जो फंजीसाइड वाला पानी मैंने बनाया है जिसमें मैंने डिप किया हुआ था, इसी पानी को अब हम इस पॉट में डाल देंगे। और इसे अब हम टेरेस पे नहीं रखेंगे, इसे यहीं पर रखेंगे पोर्च में। और देखती हूँ आने वाले समय में इसकी क्या ग्रोथ होगी। जो भी होगी आप सभी से शेयर ज़रूर करेंगे। अगर ये रहते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं रहेंगे तो भी मैं ये वीडियो के थ्रू आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ऐसे ही जरबेरा को बचाने की मैं कोशिश कर रही हूँ और क्या इनकी ग्रोथ होगी वो मैं समय से ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।